अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट निज़ाम सामटिया। आज हम लोग यहां पे लैया में एक बहुत ही खूबसूरत पार्क में आए हुए हैं, जिसे हम नर्सरी भी बोलते हैं, जहां पे मुख्तलिफ़ पौधे होते हैं जो लोग यहां से ख़रीद जाते हैं और अपने घरों में या अपनी ज़मीनों में जाकर फिर उन्हें बोते हैं और मतलब के उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर रेस्क्यू 1122 के साथ यहाँ पर एक नर्सरी बनाई हुई है। इन लोगों ने बहुत ही अच्छी नर्सरी है, इस बारे में कुछ मालूमात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो यहाँ पे भाई जो यहाँ पे काम करते हैं उससे कुछ पूछेंगे। भाई नर्सरी का नाम क्या है? रोज़ पैराडाइज नर्सरी। रोज़ सही हो गया, मुझे तो नहीं हो बोलना आ रहा, क्या नाम है? रोज़ पैराडाइज नर्सरी। रोज़ पैराडाइज नर्सरी इस नर्सरी का नाम है। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं, और कितनी किस्म के पौधे यहाँ पर पाए जाते हैं? यहाँ बहुत किस्म के पौधे हैं, गिनने से भी ज़्यादा हैं। सही हो गया, मुख्तलिफ ऐसे नायाब पौधे जो आमतौर पर ना पाए जाते उनके नाम बता दें जो मुख्तलिफ के नायाब हों। इसमें मनी प्लांट है, सनकोनियम है, लेडी फिंगर पाम है, उसके बाद फलों में अमरूद है, अनार है, बादाम है, चीकू है। नाज़रीन ये देखें, ये पौधा है यहाँ पे, इसको दिखाएं ज़रा, इसका नाम क्या है? मनी प्लांट। मनी प्लांट, इसकी क्या खासियत है? ये इंडोर प्लांट है, ये बहुत कमरों में, गैराज में और ऑफिस में बहुत अच्छा लगता है। सही हो गया, ये पौधा मनी प्लांट है, पौधों मतलब ऑफिस वगैरह में और गैराज वगैरह में लोग इसको लगाते हैं। ये कौन सा पौधा? ये उल्टा अशोक। क्या? उल्टा अशोक। ये किस लिए, इसकी क्या? ये आउटडोर है, ये सीधा पौधा बनता है, ग्रीनरी। अच्छा, सही हो गया। और इस पौधे का नाम तो आप लोग जानते होंगे, मजीद जान लेते हैं। ये कैन पाम है, ये भी इंडोर प्लांट है। इंडोर प्लांट, ये इंडोर प्लांट कैन पाम है। उसके साथ साथ ये आप लोग देख सकते हैं, इसका नाम क्या है? ये एरोकेरिया है। एरोकेरिया, ये किसी होता है? ये भी इंडोर है, डेकोरेशन के लिए होता है। अब उस तरफ आ जाए थोड़ा, तो इस पौधे का नाम क्या है? अच्छा, ये देख सकते हैं, इसके ऊपर फल भी लगा हुआ है और पका हुआ भी है, हम लोग आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये फल पका हुआ है और ये खाया जाता है, खाने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत ही फायदेमंद होता है। ये है आपके सामने जामुन। ये रबड़ प्लांट है। क्या? रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट, ये किस लिए? इसके ये भी साया के लिए होता है, साया भी होता है इसका और डेकोरेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। सही हो गया, गमलों में भी लगाते हैं, उसके बाद बड़े लॉन में भी लगाते हैं। तो इसके अलावा
ये किस चीज़ का है? ये मेहंदी है? ये टर्मिनेलिया पौधा है, ये सीधा जाता है, स्टेप बाई स्टेप छोड़ता है। अच्छा, ऐसे मतलब ये स्टेप छोड़ा, ये जिस तरह रोड के सेंटर में लगे होते हैं वो और चीज़ है वो। इसके क्या, इसके खास क्या हैं? ये सड़कों के सेंटर में भी लगा सकते हैं लोग, बड़े बड़े जो ग्रास बनाते हैं, इनके लॉन बनाते हैं, उनमें साइडों पे लगाते हैं, ये बहुत अच्छे लगते हैं। सही हो गया। यहाँ जो बड़े बड़े दरख्त भी इन्होंने लगाए हुए हैं छोटे पौधों की छाँव के लिए। और इधर आ जाएं भाई, ये छोटे छोटे पौधे हैं, इनका ना बस यहाँ से खड़े होकर ना इंट्रोडक्शन दे दें। ये कौन सा है? इसमें काफ़ी पौधे पड़े हैं, रवीनिया पान पड़ा है, उसके बाद एलोवेरा पड़ा है, ड्राई सीनिया पड़ा है, चाइना चांदनी पड़ी है वाइट। चाइना चांदनी किस लिए होता है? वो खूबसूरत होती है, उस पर फूल लगते हैं, पत्ते का शेड भी होता है। अच्छा, और ये जो दूसरे आपने लवेरिया इस तरह बदाम के खास एलोवेरा वो जो होते हैं इस्तेमाल करते हैं जल्द के लिए, दूसरा बालों में भी लगाते हैं, जानवरों वगैरह को खिलाते हैं। बालों में कौन सा लगाने वाला? बालों में मतलब बाल वाला होता है ना। अच्छा, ये कौन सा दिखा दें? ये वाला, ये बालों में भी लगाते हैं जेल के लिए? जेल पे भी लगाते हैं। अच्छा, जेल साफ हो जाती है। सही हो। कोई इस तरह का पौधा बताएं जो खास हो, हम लोग उसके बारे में ना जानते हों, कोई अजीब गरीब उसके बारे में बात हो? पौधे तो सभी मतलब कोई ऐसा जो मतलब के हट के हो, जब हम जानते हैं तो दूसरे बात इतने नहीं जानते, जो शौक रखते हैं वो तकरीबन जानते हैं। अच्छा, अब ये जो है डेकोरेशन अमरूद है, इस पर फल भी लगता है। अच्छा, और ये बहुत छोटा छोटा फल लगता है, इसका झाड़ी पौधा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। वो जो हमने सुने हुए हैं पौधे, क्या क्या होता है? दिन का सवेरा, रात की चांदनी, वो भी है, वो भी पड़े हैं। उनका क्या होता है कि वैसे ओरिजिनल उनके क्या खास होते हैं? वो जो दिन का राजा है उसकी दिन को खुशबू होती है, जो रात की रानी है उसको रात की खुशबू होती है। और अच्छी जब बालक हो जाए पौधे, साल डेढ़ साल का पौधा हो जाए, उसके बाद फिर उसकी खुशबू शुरू हो जाती है। होते हैं और डेकोरेशन वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, सब पौधे होते हैं। सही हो गया। ये यहाँ पे बता रहे हैं कि हर किस्म के पौधे पाए जाते हैं, फूल फल वाले। और ये गवर्नमेंट की तरफ से इसकी निगहदाश की जाती है या प्राइवेट है? प्राइवेट है इसकी, प्राइवेट है, मालिक भी प्राइवेट है। सही हो गया, फिर तो बड़ी मतलब मेहनत की हुई उन्होंने, अच्छा काम किया हुआ है, एक पॉजिटिव एक्टिविटी है हमारे शहर में, उन्होंने इस तरह के काम किया हुआ है, एक नेचर को क्लाइमेट को बचाने के लिए एक बहुत ही अच्छा एकदम है, हमें इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और यहाँ पे मैं एक कहना चाहूँगा कि लोगों को इस चीज़ की तरफ तवज्जो दें, यहाँ पे आके देखें, पौधे पसंद करें और उन्हें अपने शहर में उगाएं, ताकि यहाँ की क्लाइमेट अच्छी रहे और हमारा माहौल जो अच्छा रहे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.